बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं चने। ये मैंने आधा किलो चने सुबह से भिगो के रखे हुए थे, तो ये फूल के अब ये इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो इसको हम डालेंगे कुकर के अंदर ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और ये प्याज हैं, ये एक छोटे छोटे तीन प्याज हैं, और ये इसके अंदर डाल देंगे। और ये लहसुन है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे, इसलिए कि ये जैसे बड़ा गोश्त बनाते हैं ना, उसी तरह इसके अंदर सारी सब्जियां हमने डाल देनी है। और ये जो टमाटर है ना, इनको सिर्फ हम दो पीस करके डालेंगे, इसलिए कि ये ऐसे उल्टा करके रखेंगे इसके अंदर हम, जब ये पक जाएंगे ना तो ऊपर से हम इसके छिलके उतार लेंगे। अगर ऐसे रख डालेंगे तो फिर वो छिलके जो होते हैं वो अंदर मुँह के अंदर आते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा चलो ग्राइंड नहीं इसे करते। पानी कितना डालेगा इसके अंदर? पानी अपनी मर्ज़ी के साथ इतना डालें कि जिसमें चने आपके पक जाएं, इसलिए कि चने जो होते हैं ना वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। और कितना टाइम कुकर लगाना है? तकरीबन हमने इनको 15-20 मिनट लगाना है, इसलिए कि चने ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो ये हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं इसके अंदर, तो हमने इसके अंदर सारी जो सारे मसाले होते हैं वो भी डालने हैं। ठीक है, ठीक है। तो जी मम्मा मेरी पूरे मसाले वाला स्टैंड ले है वो फिर ना, चलो जी डालो इसके अंदर मसाले। इसके अंदर हम डालेंगे नमक, डालेंगे 2 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक। सॉल्ट, तो सॉल्ट इसके अंदर डालेंगे हम। खुश्क धनिया, ड्राई कोरिएंडर, ये हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच डालेंगे भर के। मम्मा ने पीछे ट्रांसलेटर छोड़ा हुआ है, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करती। और हल्दी हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन, ये टीस्पून होता है, ये 2 हम डाल रहे हैं इसके अंदर। टर्मेरिक पाउडर, तो ये ज़ीरा पाउडर है, थोड़ा सा हम अब डालेंगे और थोड़ा सा हम डालेंगे जब ये पक जाएंगे। ये देखें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ। केमन पाउडर, तो ये डाल रहे हैं। और आप इसके अंदर ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ये देखें ख़त्म हो गई है, तो अब हम लेके आएंगे तो फिर डालेंगे, ये हम स्किप कर देते हैं। तो ये डालिएगा लाजमी, बहुत मज़े की लगती है। ये सारी चीज़ें हमारी डल गई हैं, और अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। ये हम पानी लेंगे, ये जो मैंने लिया ना बर्तन, ये भरकर डालेंगे और भी डालेंगे, इसलिए कि पानी थोड़ा रह जाए, खुश्क ना हो, फिर भी नीचे से जलने का खतरा होता है। तो ये हमने इसके अंदर पानी डाल दिया, ठीक है। ये इतना सा और डाल रही हूँ, और इसे कवर करके जितना टाइम आपको बताया उतनी देर प्रेशर कुकर लगाएंगे और फिर आपको मिलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी नहीं, आप इसके अंदर मैंने अदरक भी डालनी है, वो जब ये पानी खुश्क हो जाएगा, पक जाएंगे चने, जब इनको भूनेंगे ना हम, फिर अदरक इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं, दिखाओ। ये देखें हमारे कुकर का ये मुट्ठी टूट चुकी है, तो ये हमने जाना है अभी बाज़ार, तो फिर ये लगवाएंगे। तो और बंद करने का तरीका आपको बताते हैं, करने का तरीका आपको बताते हैं ये कैसे होगा। तो नाज़िन बहुत ही मज़ेदार टेक्निक है, अगर आपके कुकर को भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप ये करें। ये देखें ऐसे, वाह, और खोला भी इसी तरह है, और खोलना फिर इधर से ऐसे ऐसे। तो ये हमारा कुकर हो गया बंद, अब हम इसे रखेंगे चूल्हे पे, जब पकेगा फिर आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। तो जी कुकर हमने लगा दिया है, अब हम जाएंगे वॉक पे नमाज पढ़ने के बाद। अब हम पढ़ेंगे नमाज, गैस अभी नहीं आ रही, नमाज पढ़ के फिर हमने जाना है वॉक पे, तो फिर आकर आपको दिखाएंगे कि हमारे चने किस तरह के बने हैं। मैंने और मम्मा ने इवनिंग वॉक स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरी और मम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो हमने इसलिए वॉक स्टार्ट किया है। तो जी हमने प्रेशर कुकर लगा लिया था, इनको वॉक से आके अब इनको खोलते हैं, क्योंकि ये पक चुके हैं हमारे अंदाजे के मुताबिक, तो अब इसको खोलते हैं। अब हम आपको खोलने का भी तरीका दिखाएंगे। हमारा कुकर बेचारा बेइज्जती हुआ पड़ा, इसकी मुट्ठी ख़राब हो गई है, वो भी सही करवाते हैं, बस जा ही नहीं होता। ये देखे पानी अभी है, हम चेक कर लेते हैं ये पक गए हैं कि नहीं, अगर ना पके हुए तो फिर थोड़ी देर और लगा देंगे। ये देखे पक गए हैं, है ना, मुझे चेक करवा। पक गए, तो अब हम पहले ऐसे करेंगे कि ये जो टमाटरों के छिलके हैं ना ऐसे, इनको निकाल लेंगे, ठीक है।
अभी पूरा नहीं उतरा उसका, तो इनके छिलके उतारने के बाद आपको मिलते हैं, ऐसे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जी हमने छिलके इसके निकाल दिए हैं और इसके अंदर डालेंगे अब अदरक का पेस्ट। मैंने अदरक का पेस्ट डाल दिया इसके अंदर। और कोई इन्ग्रीडियंट इसके अंदर डालेंगे? घी। ओके, अब इसके अंदर जाएगा जी घी, क्योंकि हमने इसको भून लेना है। अब सिर्फ हमने इसको भूनना है और कुछ भी नहीं करना। थोड़ा बहुत लगाएंगे, जिसकी ग्रेवी बनेगी वो पानी बस लगाएंगे, इसको पहले कुछ करेंगे। अगर यही पानी हमने रहने दिया ना, तो फिर इसके अंदर से ना अजीब सी स्मेल आएगी, जो चने कच्चे चने होते हैं ना उसकी। इसको भूनेंगे अच्छी तरह, तो फिर इसके अंदर पानी थोड़ा सा लगा कर ग्रेवी वाले चने बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम डालेंगे ये लाल मिर्च, ये हमने नहीं डाली थी पहले क्योंकि भूल गए थे। हाँ भूल गए थे, ये लाल मिर्च इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको भून लेंगे। अब हमारे साथ हमने इसको खुले बर्तन में डाल दिया हुआ है। अब हमने तसले में डाल दिया है, क्योंकि कुकर है ना वो ज़्यादा वजनी है, तो उसमें पानी ये जल्दी खुश्क नहीं होगा। तो ये हमने रख दिया पतीले में कि इसके अंदर पानी जल्दी खुश्क हो जाए। ये देखिए अब हमारे चने जो हमने अच्छी तरह इसको भून लिया, तो अब हम इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी इसमें से निकाला था ना हमने, वही इसके अंदर लगा देंगे, तो थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी। और धनिया ये देखें इसको लगा के थोड़ा और डाल दूँ ना, अभी पकना भी है। हाँ अजय पकना भी है, आप पा दें, इसने पकना भी है। इसमें डाल दूँ ना आपको, ये हिस्सा काट देना, इसको घात दें, इसमें इसने पकना भी है। ये बस हम इतना पानी डालेंगे, तो ये जब शोरबा पक जाएगा ये ग्रेवी, तो फिर इसके अंदर दूसरी चीज़ें हम डालेंगे। तो चलते हैं अब इसको ढक देते हैं ऊपर से। तो ये देखें हमने, ये देखें बस हमने इतनी ग्रेवी रखनी है, ग्रेवी इतनी होगी तो खाने में मज़ा आएगा। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये देखें, और फिर हम इसके अंदर डालेंगे सब्बज धनिया, ठीक है। तो अब हमने थोड़ी सी ना सब्बज मिर्चें थोड़ी सी फ्राई की हुई थी खाने के लिए, तो वो थोड़ी बच गई थी, तो वो हम इसके अंदर ही डाल देंगे, ठीक है। ये भी बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये हमारे तशद्दुद करना है आपने मेरे पे, बाद में जब थोड़ा सा ऊपर तरी आ जाएगी ना, तो फिर आपको चेक करवाते हैं। ये हमारी फाइनल लुक ये है हमारी फाइनल लुक। तो जी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।